इस वीडियो में हम WhatsApp की लेटेस्ट अपडेट और नए फीचर्स देखेंगे। अभी कुछ ही देर पहले ये लॉन्च हुए हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। WhatsApp मैसेंजर की तो आजकल लगातार अपडेट्स आ रही हैं। मैंने अभी कुछ ही देर पहले अपने Samsung Note 4 में इसे अपडेट किया है और मेरा वर्जन है 2.16.231। यहाँ मैं तीन नए फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। पहला नया फीचर ये है कि अब आप अगर कोई मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको एक एक कॉन्टैक्ट को अलग अलग फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही साथ कई कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये रहा मेरा व्हाट्सएप। अब मैं कोई मैसेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ये एक मैसेज है, यहाँ पर क्लिक किया। और अब इसे फॉरवर्ड करना हो तो यहाँ पर ऊपर ये एरो है, इधर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंट चैट्स में ये तीन ऐसी चैट्स आ गई, या ये तीन ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काफी बात करती हूँ, और बाकी की चैट्स जो हैं वो नीचे हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर फॉरवर्ड टू में खोज भी सकते हैं। यहाँ देखिए ये सर्च का एक आइकन है, इधर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स के नाम चुन सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कोई कॉन्टैक्ट्स टाइप कर लेती हूँ, जैसे कि ये एक हुआ, ये देखिए ये नीचे यहाँ पर ऐड हो गया। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है, जो हरे रंग की पट्टी, यहाँ पर ये सारे के सारे नाम आते जाएंगे। और फिर कोई और टाइप कर लेती हूँ, ये एक और कॉन्टैक्ट किया और ये देखिए ये भी नीचे आ गया, ये रहा तीसरा कॉन्टैक्ट। तो ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर नीचे आ गए। ये जो है हमने सब डाल दिए नीचे, ये हो गए पांच कॉन्टैक्ट्स। और अब मैं सेंड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ तो ये हमारा मैसेज पांच कॉन्टैक्ट्स को चला गया। दूसरा नया फीचर ये है कि अगर आप किसी को WhatsApp पर कॉल करते हैं और वो आपकी कॉल नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने सुना नहीं या फिर वो बिजी हैं, तो आप उनके लिए एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और जब वो अपना WhatsApp बाद में खोलेंगे तो उन्हें आपका वॉइस मैसेज मिल जाएगा। देखिए ये जो फीचर है ये फोन्स में होता है, लेकिन अब ये फीचर WhatsApp में भी आ गया है। चलिए हम WhatsApp को पहले खोलते हैं। ये है एक कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए ऊपर फोन का आइकन है, मैं इधर क्लिक कर लेती हूँ और कॉल कर लेती हूँ। तो अब ये कॉल लग गई है। ये लगभग 30 रिंग्स जाते हैं, उसके बाद ये वॉइस मेल में चला जाएगा। तो मैं 30 सेकेंड के बाद आती हूँ। देखिए ये जो फीचर था ये पहले फोन्स में हुआ करता था, और वॉइस मेल अगर आप छोड़ देते थे तो जो रेसिपिएंट थे या जिन्हें ये कॉल मिलती थी, ये वॉइस मैसेज मिलता था, वो आपका मैसेज सुन करके आपको दोबारा वापस कॉल कर पाते थे। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही काम का फीचर है। ये देखिए अब इन्होंने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तीन अलग अलग आइकन नीचे आ गए हैं। यहाँ पर है कैंसिल, कॉल अगेन या फिर रिकॉर्ड वॉइस मैसेज। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो आप एक अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर पाएंगे। आपको इसे क्लिक करके रखना है और जब आपका मैसेज खत्म हो जाए तो आप अपनी उंगली स्क्रीन से हटा सकते हैं। हेलो प्लीज मुझे वापस कॉल करिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इधर राइट में स्वाइप कर दिया तो ये मैसेज कैंसिल हो गया। दोबारा से इन्हें कॉल कर लेती हूँ। आपको अगर मैसेज भेजना है तो आप उसे स्वाइप करके कैंसिल मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से वॉइस मैसेज को डिलीट कर दिया। ये देखिए लगभग एक मिनट घंटी बजने के बाद ये इस तरह से फिर से स्क्रीन आ गई, और अब मैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर देती हूँ। प्लीज कॉल मी बैक, वेटिंग फॉर योर कॉल। और उंगली को हटाया तो ये देखिए ये हमारा वॉइस मैसेज चला गया। अगर आप चाहें तो आप इसी वॉइस मैसेज को इस प्ले के बटन पर क्लिक करके खुद भी सुन सकते हैं। फिलहाल ये देखिए ये एक ग्रे कलर का टिक आ रहा है, इसका मतलब कि ये वॉइस मैसेज नहीं सुना गया। ठीक मैसेजेस की तरह जब ये वॉइस मैसेज सुन लिया जाएगा तो यहाँ पर
ब्लू कलर के नीले रंग के दो टिक्स आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसे प्ले कर देती हूँ। Please call me back. Waiting for your call. तो ये हमारा वॉइस मैसेज 4 सेकंड का इस प्रकार से चला गया है। तीसरा फीचर बिल्कुल नया तो नहीं है, ये कुछ हफ्ते पहले ही आया था, लेकिन इसको अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में कवर नहीं किया है। ये फीचर है ग्रुप चैट में आप मैसेज को लेते हुए रिस्पोंड कर सकते हैं। देखिए ग्रुप चैट में जितने ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा मैसेज रोज आते हैं। ऐसे में कोई कुछ टॉपिक पर बात कर रहा होता है और कोई दूसरे लोग किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने मैसेजेस देर से देखते हैं तो ये फीचर काम आ सकता है। आइए इसे देख लेते हैं। अब ये एक ग्रुप चैट चल रही है और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं किसी एक मैसेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ये एक मैसेज है जो मुझे इन्होंने भेजा है। पर इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस मैसेज के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी खास मैसेज का जवाब देना है ग्रुप चैट में, आप उसे पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये यहाँ पर जो रिप्लाई है उस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। उससे होगा ये जिस मैसेज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा और आपका जवाब उस मैसेज पर नीचे आ जाएगा। चलिए फिलहाल मैं एक स्माइली सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर ये मैं थम्स अप करके इसे सेंड कर देती हूँ। तो ये देखिए ये जो है ये उनका मैसेज आ गया और ये मेरा जवाब ग्रुप चैट में आ गया। इससे ग्रुप मेंबर्स को पता चल जाएगा कि किस मैसेज पर मैंने क्या रिएक्शन दिया है, मेरी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये ग्रुप चैट में काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। अब व्हाट्सएप तो रोज नए नए फीचर लाते ही रहता है, लेकिन हर छोटी छोटी अपडेट पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं वेट करती हूँ, जब 2-3 अपडेट लगातार आ जाती हैं तो उसके बाद ही एक वीडियो साथ में बना देती हूँ। और यही मैंने इस वीडियो में किया जहाँ पर मैंने आपको 3 नए फीचर्स के बारे में बताया। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।